वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने कक्षा 8 की चौथी इकाई कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पाठ का अभ्यास किया था, जिसमें हमने सबसे पहले शंकर दयाल शर्मा का जीवन परिचय प्राप्त किया। उसके बाद हमने शास्त्री जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी, जैसे कि सबसे पहला कि शास्त्री जी के नाम के साथ कौन सा विशेषण जुड़ा है, कर्मयोगी, जो इस पाठ का शीर्षक है कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। उसका कारण यह है कि उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ था और शास्त्री जी एक सामान्य परिवार से उठकर क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और उनकी इस सफलता का रहस्य भी उनका कर्मयोगी होना ही है। शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था, उनके लिए कर्म ईश्वर था। उनका संपूर्ण जीवन गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था, इसीलिए शास्त्री जी को केवल कर्मयोगी नहीं बल्कि निष्काम कर्मयोगी कहना उचित है। उसके बाद हमने देखा था शास्त्री जी के जीवन में महत्वपूर्ण तीन बातें थी, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, जो उनके संपूर्ण चरित्र और जीवन दर्शन में दिखाई देते हैं। शास्त्री जी का कहना है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो या अन्य कोई भी क्षेत्र में, अगर आपको सफलता चाहिए तो अपने कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा और सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों में और विचारों में ही नहीं दिखाई देते थे बल्कि उन्हें देखते ही हमें इन भावों का एहसास होता है। वो जो कुछ कहते थे वही करते थे और जो कुछ भी करते थे वो राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे, इसीलिए देशवासियों को उन पर बहुत ही अधिक विश्वास था। लेकिन जब पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई तब उनकी समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाना कोई कम कठिन काम नहीं था, बल्कि देशवासियों को यह दिखाई दिया कि इसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में है और उन्होंने शास्त्री जी को चुना। फिर हमने देखा कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, कि वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी और जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी सामान्य ही रहे। विनम्रता, सादगी, सरलता, ये उनके व्यक्तित्व के विशिष्ट गुण हैं जो हमारे प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से बहुत ही अधिक करीब था, बापू यानी कि महात्मा गांधी। बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर दो लोगों का विशेष प्रभाव था, एक भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू। जीवन भर वो उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे और शास्त्री जी को देखकर हमें बाइबल की एक उक्ति याद आती है,
कौन सी? कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होगी, यानी कि शास्त्री जी के अंदर कुट कुट कर विनम्रता भरी हुई थी। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक पाठ का अभ्यास किया था। अब आगे शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। यानी कि शास्त्री जी ने भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था तब गांधी जी के आह्वान पर उसमें प्रवेश किया, और उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 17 वर्ष की। यानी कि वो स्कूल के एक विद्यार्थी थे और उन्होंने गांधी जी के एक आह्वान पर अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। यानी कि शास्त्री जी हमेशा राष्ट्र लाभ के कार्य करते थे और सामाजिक सेवा में उनका मन लगा रहता था, इसीलिए सन 1926 में वो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यानी कि शास्त्री जी ने फिर अछूतोद्धार का कार्य शुरू किया गांधी जी की तरह ही। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। यानी कि शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय कब प्रारंभ होता है? सन 1926 में। सन 1926 में वो किस में जुड़े थे? लोक सेवा मंडल में, और तभी उनके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। यानी कि शास्त्री जी सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा, और तभी से उनकी जेल यात्रा शुरू हुई। सन 1930 से लेकर कब तक रही वो? सन 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। कितनी बार जेल गए वो? 7 बार। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी, और सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। यानी कि शास्त्री जी के अंदर देशभक्ति की भावना कुट-कुट कर भरी हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कई आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, और इस दौरान 12 साल में वो 7 बार जेल जा चुके, और उनकी सन 1942 की जो जेल यात्रा थी वो तो बहुत ही लंबी थी। कितने वर्षों की थी? 3 वर्षों की थी। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। यानी कि शास्त्री जी एक ओर गांधी जी के द्वारा बताए गए कार्य कर रहे थे, और दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए।
इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था, यानी कि शास्त्री जी गांधी जी के दिखाए गए कार्य भी करते थे और साथ ही साथ पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वो संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। वो सन 1938 तक वो सचिव बने रहे। उसके बाद उनके मन में किसानों के प्रति बहुत ही विशेष लगाव था, इसीलिए सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी के वो अध्यक्ष भी बने। अब आगे, इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। यानी कि इसके बाद 6 वर्षों तक शास्त्री जी नगर पालिका के कार्यों से, उनकी समस्याओं से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे, और उनके इसी अनुभव ने शास्त्री जी को नागरिकों की समस्याओं से निकट और परिचित करवाया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। यानी कि शास्त्री जी को गांव का अनुभव था, वहाँ क्या जीवन, वहाँ की समस्याएं, उन सभी का अनुभव था। और फिर 6 वर्षों तक नगर पालिका से जुड़े रहने के कारण उनको नगर पालिका का अनुभव भी हो गया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। लोकतंत्र की कई इकाइयों में तरह तरह से कार्य करने के कारण वे देश की छोटी मोटी समस्याओं और उनके निराकरण के व्यावहारिक प्रक्रिया से वो क्या हो गए, परिचित हो। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। शास्त्री जी में शुरू से ही कार्य के प्रति क्या थी, निष्ठा थी, कर्म के प्रति निष्ठावान थे, और उनकी मेहनत करने की अदम्य क्षमता थी, और इसी कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। यानी कि सही मायने में शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत यहीं से होती है, और फिर उसका समापन, मतलब कि उसका अंतिम चरण क्या था, देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। अब आगे, देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। अब उनके संसदीय जीवन की शुरुआत होती है। अब वो भिन्न भिन्न पदों पर कार्य कर रहे। सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश में क्या बने, गृह मंत्री। बाद में
पंडित नेहरू के अनुरोध पर वो केंद्र में आए, केंद्र सरकार से जुड़े। केंद्र में उन्हें रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभालना पड़ा। यानी कि केंद्र में आए तो वहां पर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने मंत्री पद के रूप में काम किया, जैसे कि रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग, इन सभी में मंत्री पद का कार्य किया। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वो हमारे देश के लिए उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत ही व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। शास्त्री जी का दृष्टिकोण अलग ही था। वो जब भी केंद्र में मंत्री पद का काम करते थे तो वो कभी अपने आप को अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। यानी कि कोई उच्च पद पर आप आसीन हो, प्रधानमंत्री हो, बड़ा प्रधान हो, मंत्री हो या कुछ भी हो, अध्यक्ष हो, मैनेजर हो, तो हम मानते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं, उच्च पद पर हैं इसलिए। लेकिन शास्त्री जी इन सब विचारणाओं से अलग थे। उनका कहना यह था कि मैं जनता का शासक नहीं बल्कि सेवक हूँ। हम राजा को चुनते हैं, उसे ऊंचा बनाने के लिए नहीं चुनते, लेकिन वो जनता की सेवा करे, उसका सेवक बन के उनकी सभी समस्याओं का हल करे, इसलिए हम उसे चुनते हैं। आज हम प्रधानमंत्री हो या पीएम हो, किसी को भी चुनते हैं, बड़ा प्रधान को चुनते हैं, तो उसमें हम वोट देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उच्च पद पर आ गए, वो ऊंचा हो गया, वो जनता का सेवक है। हमारी सेवा, हमारी समस्याओं के बारे में कार्य करने के लिए हमने उसे चुना है। तो शास्त्री जी भी ऐसी ही धारणा रखते थे। वो कहते थे कि मैं जनता का शासक नहीं बल्कि सेवक हूँ। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। मतलब कि वो हमेशा विनम्र रहते थे, इसीलिए वो सबके बीच क्या हो गए, लोकप्रिय हो गए और पूरे देशवासियों में भी वो लोकप्रिय हो गए। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। मतलब इसी लोकप्रियता के कारण जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई कि तुरंत उन्हें प्रधानमंत्री के पद में बिठाया गया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। यानी कि देश के महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए 19 महीने में उन्होंने जितनी सफलताएं हासिल की, लोकप्रियता प्राप्त की, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उनमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। यानी कि शास्त्री जी बड़े बड़े उच्च पदों पर उन्होंने काम किया था और उच्च पद पर रहते हुए उनके पास कई सारे अधिकार भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप पर संयम रखा, आत्म संयम रखा, और अधिकारों को उन्होंने महत्व नहीं दिया बल्कि किसको महत्व दिया, अपने कर्तव्य को। मंत्री पद पर पहुंचने के बाद मंत्री के कौन कौन से अधिकार है वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था कि एक मंत्री के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं।
शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह से विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में दीक्षांत समारोह था, तब उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। मतलब कि आप भविष्य में कहीं पर भी जाना चाहें, आप जो कुछ भी बनना चाहें, लेकिन हमें जीवन में हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम देश के क्या है, एक नागरिक है। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। नागरिक होने के नाते हमें इस देश में कुछ अधिकार भी हैं हमारे, लेकिन साथ ही साथ कर्तव्य भी हमारे होते हैं, जिसे हमें समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी कि हमारा जो देश है वो प्रजातांत्रिक है, और इसीलिए हमें बहुत सारी निजी स्वतंत्रता मिलती है, अपनी स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन हमें इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत इस स्वतंत्रता का हमें उपयोग करना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पाठ पूर्ण होता है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।